जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने शोपिया और अनंतनाग में वारदात को अंजाम दिया। भाजपा नेता और पूर्व सरपंच को गोली मारी गई है। अस्पताल के दौरान पूर्व सरपंच ने दम तोड़ दिया है। एजाज अहमद शेख ने दम तोड़ दिया है। अनंतनाग के यन्नार में आतंकियों ने पर्यटक दंपति पर फायरिंग की थी। फरहा और उसके पति तबरेज को गोली मारी है। जयपुर निवासी फरहा और तबरेज बताए जा रहे हैं। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज फिलहाल चल रहा है। और इस साथ देखिए दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की ये तस्वीरें जहां आतंकी हमला देखने को मिला। आतंकियों ने शोपिया और अनंतनाग में वारदात को अंजाम दिया है जिसमें भाजपा नेता और पूर्व सरपंच को गोली मारी गई। अस्पताल ले जाने के दौरान पूर्व सरपंच ने दम तोड़ दिया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जम्मू कश्मीर से ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सैयद, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है पूरे मामले पर? देखिए, पुलिस ने कल रात ही कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चला रखा है जो कि इस वक्त पहलगाम के उस इलाके में जहां पर दो पर्यटक जिनका ताल्लुक राजस्थान जयपुर से बताया जाता है उस इलाके में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों पर्यटक जो है वो अब खतरे से बाहर है, स्टेबल है अभी तक और इनका इलाज वगैरह चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो साबिक सरपंच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके बारे में बताया जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के न सिर्फ बड़े स्ट्रॉन्ग सोल्जर थे बल्कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो कारकर्दगी उससे इतनी प्रेरणा हासिल हुई थी। और उन्होंने अपने एक वीडियो में जो फर्स्ट इंडिया चला रखा है उसमें वो बता रहे हैं कि वो एक स्टोन पेल्टर थे और उन्हें 500 रुपया 700 रुपया देकर पत्थर फेंकवाए जाते थे। लेकिन बाद में उन्होंने जो प्रेरणा हासिल की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से उसके बाद उन्होंने वो रास्ता खत्म किया। लेकिन कल रात जब ये खबर आई 10:30 बजे कि शेख पर गोली चली है, जिसके बाद ये भी डिटेल्स आई है कि वो पूरा दिन जो है वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरक्षा इंद्रावी जो कि बीजेपी की सीनियर लीडर है उनके साथ रोड शो और प्रचार में थे। लेकिन उसके बाद शाम घर पहुंचे तो उन्हें नजदीक से गोली मारकर हिला कर दिया। कुल मिलाकर इन दोनों वाकों को बड़ी बदकस से जोड़ा जा सकता है क्योंकि 25 मई को दक्षिणी कश्मीर का ये इलाका जो है ये वोटिंग के लिए जाएगा जो कि 7 मई से शेड्यूल होके 25 मई कर दिया गया है। यानी दो दिन, यानी कल जो 20 मई है तो नॉर्थ कश्मीर और बडगाम का एरिया जो है वो लोकसभा चुनावों के लिए लोग जाएंगे और उससे पहले इस तरह का टेरर अटैक होना। और गृह मंत्री अमित शाह एक रात पहले जम्मू कश्मीर से होके आए हैं कश्मीर घाटी में, वो नेताओं से मिले, भाजपा के लीडरों से मिले, ट्राइबल कम्युनिटी के लीडरों से मिले। और ये जो घटना हुई है ये बहुत वक्त के बाद जहां वोटिंग परसेंटेज करीबन 40% के आसपास श्रीनगर में देखा गया और उसके बाद लोकसभा के इन चुनाव में जो कोई भी इतनी बड़ी घटना आतंकियों ने अंजाम नहीं दी, इससे फ्री और फेयर इलेक्शन बताया जाता। लेकिन फेयर होने के साथ साथ अब इस इलेक्शन में गोलियां चली और कुछ लोगों की मृत्यु होने के बाद अब इस इलेक्शन में सुरक्षा व्यवस्था को तेज कर दिया गया क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आने के बाद अमरनाथ यात्रा का काफिला भी जम्मू कश्मीर की ओर रवाना होगा। गोया आज के इस शेख के मारे जाने के बाद जिनका ताल्लुक बीजेपी से है सुरक्षा व्यवस्था को तेज कर दिया गया दोनों जगहों पे, जहां नायर पहलगाम में और शुपियन हरपोरा में सुरक्षा व्यवस्था को और चौकना कर दिया। बिल्कुल सही, नजर बना रखिएगा पूरे मामले पर, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।